डियर स्टूडेंट, आरसी एजुकेशन हब बांसुर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि अपन बात कर रहे थे फिनोल बनाने की प्रयोगशाला विधियां, उसमें तीन मेथड्स पढ़ चुके थे। उसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए फोर मेथड के अंदर बात करेंगे सैलिसिलिक अम्लों से फिनोल का निर्माण। तो आज का जो टॉपिक रहेगा सैलिसिलिक अम्लों से किस प्रकार फिनोल बनाया जाता है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा सैलिसिलिक अम्लों से बनाने की विधियों में सैलिसिलिक अम्लों से। सैलिसिलिक अम्लों से यानी कि सैलिसिलिक अम्लों से फिनोल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, यानी कि डियर स्टूडेंट जो सैलिसिलिक अम्ल होते हैं इन सैलिसिलिक अम्लों को सोडा लाइम की उपस्थिति में क्या कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, क्या बन जाएगा यहां से सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा। यानी सैलिसिलिक अम्लों को सोडा लाइम की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो सोडियम फिनोक्साइड बन जाता है, जिसका अम्लीकरण करवाया जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है, फिनोल का निर्माण हो जाता है। देखिए कैसे होता है फिनोल का निर्माण सैलिसिलिक अम्लों से, यानी कि सैलिसिलिक अम्ल एग्जांपल के रूप में बात कर रहे हैं, ये OH और यहाँ की ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है COOH, यानी बेंजीन रिंग पर OH और एक COOH एक दूसरे की 1-2 पोजीशन पे हैं, तो उस यौगिक का नाम होता है सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्लों से तो यानी कि ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट सैलिसिलिक अम्ल। अब सैलिसिलिक जो अम्ल है इसको मैं किसके साथ NaOH के साथ अभिकर्म करवा दूं, एसिड है NaOH बेस के साथ, तो आपको पता है जैसे ही सैलिसिलिक अम्ल है वो NaOH क्षार के साथ क्रिया करेगा तो ये कैसे टूट जाएगा Na+ प्लस यहां से OH माइनस, तो यहां से अपने H+ एसिड होने के कारण ये जो अपने H+ यहां से डोनेट करता है H+ यहां पे क्या है माइनस, देखो H+ यहां का OH माइनस H2 बाहर निकल जाएगा और ये O- में क्या जुड़ जाएगा Na, तो देखो यहां से यौगिक बन जाएगा OH, यहां पे जुड़ जाएगा COOH। तो समझने के लिए ध्यान रखना जो आपका देखो ये वाला अम्ल होता है CH3COOH, एसिटिक अम्ल बोलते हैं इसे, एसिटिक जो अम्ल है एसिटिक अम्ल, यहां से इस अम्ल ने अपने H+ निकाल दिया तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH3COO-, इसका नाम क्या होता है एसीटेट, कौन सा आयन बन जाएगा एसीटेट आयन, एसिटिक अम्ल ने H+ आयन त्याग दिया, यहां से किसका निर्माण हो गया एसीटेट आयन का निर्माण। तो इसी प्रकार से यहां पे सैलिसिलिक जो अम्ल है उसने भी यहां से अपने H+ आयन त्याग दिया तो यहां से क्या बना सैलिसिलेट बन जाएगा। अब सैलिसिलेट आयन के ऊपर कौन जुड़ा हुआ है यहां पे सोडियम, तो नाम क्या हो जाएगा यहां से सोडियम सैलिसिलेट, यौगिक का नाम क्या हो जाएगा सोडियम सैलिसिलेट, इसका नाम क्या हो जाएगा सोडियम सैलिसिलेट, यानी कि सैलिसिलिक अम्ल का एक डेरिवेटिव है सोडियम सैलिसिलिक। अब यानी कि इसको आगे सोडा लाइम की उपस्थिति में गर्म करना है, यहां से ये क्या है आपका OH, यहां पे COOH, इसको मैंने क्या किया सोडा लाइम की उपस्थिति में यहां से इसको गर्म किया 2NaOH प्लस CaO, NaOH प्लस CaO का जो मिश्रण होता है वो कहलाता है सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है NaOH, यानी कि सोडा लाइम क्या होता है यानी कि NaOH प्लस CaO का जो मिश्रण बनता है क्या कहलाता है सोडा लाइम कहलाता, समझ में आ गया होगा NaOH प्लस CaO का जो मिश्रण बनता है क्या कहलाता है सोडा लाइम। तो यहां से सोडियम जो सैलिसिलेट है उसको सोडा लाइम की उपस्थिति में यहां से गर्म किया जाता है, तो देखो यहां का Na एक Na, यहां से COO, यहां का ऑक्सीजन, तो Na2CO3 बाहर निकल जाएगा ठीक है, और यहां से जैसे इसको गर्म किया जा रहा है तो यहां का दो ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन यहां से निकल चुका है तो यहां से क्या बन जाएगा यहां से एक H और यहां की एक H और यहां का ऑक्सीजन H2 बाहर निकल जाएगा। अब यहां का जो बचा हुआ Na है वो कहां पे शिफ्ट हो जाएगा इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, देखो Na यहां का Na Na2 COO है इसको दो ऑक्सीजन में एक मिल जाए तो ये क्या बाहर निकल गया यहां से Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा।
अब यहाँ से स्टूडेंट्स क्या होता है, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ का, एक हाइड्रोजन यहाँ का और बचा हुआ ये ऑक्सीजन मिलकर के बाहर निकल जाएगा H2, क्योंकि गर्म करेंगे तो आउट कौन होगा, वेपर, पानी बाहर निकलेगा। अब यहाँ से जो बचा हुआ Na है वो कहाँ पे जुड़ जाएगा, इस O के ऊपर। देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये O यहाँ पे क्या बन जाएगा, N यौगिक बन जाएगा आपका सोडियम फिनोक्साइड। इस यौगिक का नाम क्या होगा, सोडियम फिनोक्साइड। अब इस सोडियम फिनोक्साइड का क्या करवा दिया जाए, ये स्टेप के बाद अम्लीकरण करवा दे। तो यहां से जैसे ही आपका सोडियम फिनोक्साइड बना ONA, इसका अम्लीकरण करवा दिया मैंने यहां से HCl के साथ, Na प्लस यहां पे ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो NaCl बाहर निकल जाएगा और H प्लस कहां पे ऐड हो जाएगा, O के ऊपर, तो किसका निर्माण हो जाएगा आपका, ये OH और ये आउट हो जाएगा आपका NaCl, तो ये बन जाएगा आपका। तो ये है आपका सैलिसिलिक अम्लों से फिनोल का निर्माण, तो समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जो सैलिसिलिक अम्ल है, इन सैलिसिलिक अम्लों को किसकी उपस्थिति में, सोडा लाइम की उपस्थिति में गर्म कर दिया जाए, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा, और सोडियम फिनोक्साइड का अम्लीकरण करवा दे तो किसका निर्माण हो जाता है, फिनोल का निर्माण हो जाता है। तो क्लियर है, तो नेक्स्ट टॉपिक इसी में आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं, प्रयोगशाला विधि के अंदर लास्ट जो मेथड बच रहा है गिरनार अभिकर्मकों से फिनोल का निर्माण। नेक्स्ट पांचवी जो विधि है वो गिरनार अभिकर्मकों से किस प्रकार से फिनोल का निर्माण होता है, तो देखिएगा यहां से पांचवा जो मेथड है यहां से गिरनार अभिकर्मकों से ग्रिनायर अभिकर्मकों से, तो गिरनार अभिकर्मकों में क्या होता है कि जो गिरनार अभिकर्मक है उसका फॉर्मूला क्या होता है, RMgX। गिरनार अभिकर्मक जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, RMgX। R के रूप में यहां पे एल्किल या एरिल समूह हो सकता है, R का मतलब यहां पे क्या है, R बराबर यहां पे एल्किल समूह या कौन हो सकता है, एरिल समूह हो सकता है, R का मतलब यहाँ पे एल्किल भी हो सकता है और गिरनार अभिकर्मक में एरिल समूह भी हो सकता है, और X जो होता है X बराबर यहाँ पे होता है HClBRI, इन्हें हैलोजन समूह, कौन हो सकता है, हैलोजन समूह। तो यानी कि अब मेरे को यहाँ से गिरनार अभिकर्मक से क्या बनाना है, फिनोल बनाना है, तो फिनोल में तो बेंजीन रिंग क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक है, एरोमेटिक रिंग के रूप में जो हाइड्रोक्सी यौगिक जो है वो बेंजीन रिंग से जुड़ा है, इसका मतलब ग्रुप तो कौन सा होगा, एल्किल तो हो ही नहीं सकता, R का मतलब क्या होना चाहिए, एरिल। तो देखिए यहां से क्या होता है, मैंने गिरनार अभिकर्मक के रूप में ये वाला एग्जांपल लिया MgBr, इसको बोलते हैं C6H5 को फेनिल, ये क्या है मैग्नीशियम, ये क्या है ब्रोमाइड, इसका नाम हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कह सकता हूं गिरनार अभिकर्मक, यानी फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में O2, यानी O2 का अगर ओके डबल में O2 है तो यहां पे कितने मोल ले सकते हैं, अपन 2 मोल ले सकते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे, प्रकाश की उपस्थिति, यानी कि फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिकर्त करवाया जाता है, एवं प्राप्त जो उत्पाद है अभिकर्त करवाएंगे तो ऑक्सीकृत होकर जो प्राप्त उत्पाद बनेगा उसका जल अपघटन करवाएं तो क्या बन जाएगा, यहां से फिनोल बन जाए। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्या करवा दीजिए, अभिकर्त करवा दीजिए, तो यहां से जो प्राप्त उत्पाद होगा, देखो ऑक्सीजन कहां पे जुड़ जाएगा, रिंग और मेटल के बीच में यहां से जुड़ जाएगा, तो देखो यहां से क्या बन जाएगा, एडक्ट बन जाएगा यहां से OMgBr, यानी ऐसे कैसे ऑक्सीजन का जो मोल है वो कहां पे ऐड हो जाता है, रिंग और मेटल के बीच में, तो यानी कि जो उत्पाद है, प्राप्त उत्पाद है, इस प्राप्त उत्पाद का क्या करवा दिया जाए, जल अपघटन, देखो जल अपघटन करवाऊंगा तो जल अपघटन का मतलब यहां पे क्या, HOH
अगर दो मोल है तो यहाँ पे डबल मोल ले लें H2 के, कैसे टूट जाएगा H+OH-2 H+OH-2, हमेशा तो एडक्ट बना है ये यहाँ से मेटल पे क्या लाना है तो प्लस, यहाँ पे क्या माइनस, तो देखो दोनों O माइनस दो मोल के दोनों H प्लस जुड़ जाएगी, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका फिनोल में परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा आपका फिनोल, और MgBr के दो मोल डबल मोल पे कौन जुड़ जाएंगे दो मोल ओ एच के जुड़ जाएंगे, तो ये यौगिक क्या बाहर निकल जाएगा MgBr, और इस पर कौन हो जाएगा ओ एच, कितने मोल बने हैं, ये जो यौगिक है वो क्या बन जाएगा आपका फिनोल। इस प्रकार से अपन गिरनार अभिकर्मकों से फिनोल का निर्माण कर सकते हैं। तो क्लियर है, तो यहां से क्या होता है कि जो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है इसको प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिकृत करवाया जाता है, प्राप्त जो उत्पाद हुआ है उसका क्या करवा दिया जाए जल अपघटन करवाया जाता है, तो किसका निर्माण हो जाता है फिनोल का निर्माण हो जाता है। तो ये है डियर स्टूडेंट फिनोल बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है वो सारी कंप्लीट हो गई है, आज के लिए बस इतना ही काफी है।